अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर जी, आज हमने शुरू करना है अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार वाई लिख दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। ले सर, आवाज क्लियर है और डिस्प्ले क्लियर है तो एक बार वाई लिख दीजिए। जी जी सर, डन हो गया। मैं अब आगे चलने लगा हूँ और हम आगे बात कर रहे होंगे। आज हमने अपना पहला चैप्टर शुरू करना है। हमने चैप्टर 2 से ही अपनी क्लासेस का आगाज करना है और कल हमने आपको बड़ी डिटेल में सारा जो इंडो ओरिएंटेशन क्लास थी उसमें सब्जेक्ट की सेंस दी थी कि सब्जेक्ट क्या है, और आपको बताया था कि 50% से ज्यादा मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। तो फिर बिल्कुल हमने टाइम वेस्ट नहीं किया और स्ट्रेट वे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू किया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार हो गया तो समझ लीजिए कि आपका मेजर काम हो गया इंशाल्लाह। सर, कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। सर जी, याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट की बात शुरू कहां से होती है, इसको जरा समझिए। सर जी, सबसे पहले याद रखिएगा प्रपोजल आता है, यानी एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, उसको ऑफर देता है। देखिए, हम इसको ऐसे समझाते हैं कि जैसे मुआहिदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट का तो असल मतलब ही मुआहिदा होता है ना। ये जो मुआहिदा होता है, ये जो इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ये बात शुरू कहां से होती है? ये बात शुरू होती है जब एक बंदा किसी दूसरे को ऑफर करता है और प्रपोजल देता है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि ए ने बी को कहा। अब हम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जो आम जिंदगी में हम देखते हैं कि यहाँ क्लाइंट के मकान में या अक्सर जिन लोगों का अपना घर होता है उनको बोर्ड में किराया दिया होता है, तो किराएदारी का एक मुआहिदा होता है। हम उसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि गेम क्या होती है। सर, ए ने बी को कहा, क्या तुम अपना मकान मुझे 50,000 रुपये किराए पर दोगे? 50,000 रुपये महाना किराए पर दोगे? ए ने बी को ये पेशकश की, ये ऑफर की, ये प्रपोजल दिया। अब जब गेम आ गई बी के कोर्ट में, तो बी के पास दो गेम, यहां तो बी कह दे हाँ, यहां बी कह दे ना। अगर बी कह दे ना, तो जो ए ने ऑफर दी थी वो खत्म हो गई। ऑफर क्या हो गई? लैप्स कर गई, खत्म हो गई। और अगर बी कह दे हाँ, तो इसको कहा जाएगा एक्सेप्टेंस। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है तो बन जाती है प्रॉमिस। ऑफर जब एक्सेप्टेंस बन जाती है तो क्या हो जाता है जनाब? ये प्रॉमिस हो जाता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस।
ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, प्रॉमिस। ऑफर करने वाला ए था, इसको कहा जाएगा प्रोपोजर या ऑफरर, जिसको ऑफर की गई है ये बन जाएगा, जिसको ऑफर की गई है यानी बी को अगर ऑफर की गई तो ये बन जाएगा ऑफरी, प्रपोजी, ऑफर या प्रपोजल ए ने बी को किया तो ए बन गया ऑफर या प्रपोजल, और बी बन गई, बी बन गया ऑफरिंग या प्रपोजल। जब ये एक्सेप्ट की गई, जब एक्सेप्टेंस हो गई, आफ्टर एक्सेप्टेंस इसको मुझे तीसरे कलर से लिखना चाहिए सर जी, आफ्टर एक्सेप्टेंस आफ्टर एक्सेप्टेंस ये प्रोमिसर, ये ही ऑफरर क्या बन जाता है, प्रोमिसर, और ये ही ऑफरी क्या बन जाता है, प्रोमिजी बन। तो मैं आपको अब तक तीन बातें बताऊंगा, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, ऑफरर क्या होता है, ऑफरी क्या होता है, ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या होता है, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद ऑफरर को प्रोमिसर कहा जाता है, ऑफरी को प्रोमिसर का प्रोमिजी कहा जाता है। सर अगर ये सारी बातें आपको समझ आ गई तो प्लीज एक बार वाई लिख दीजिए, फिर मैं आगे चलूं। ये सब लोग लिख दीजिए, नहीं समझ आई तो नो लिख दीजिए, लेकिन फीडबैक दे दीजिए। ले सर अच्छा, ये जब प्रॉमिस बन जाता है, आगे चलते हैं जनाब, और कलर हम अपना फिर तब्दील कर लेते हैं। ये बन गया प्रॉमिस। अच्छा प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन मिलती है तो इसे कहा जाता है एग्रीमेंट। बट सवाल ये पैदा होता है कि सर कंसिडरेशन क्या होती है, कंसिडरेशन का मतलब होता है बदला, एवज। प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन मिल जाती है तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। ऑफर एक्सेप्ट हो गई, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस में कंसिडरेशन थी, बदला था तो ये बन गया। सर बदलेगा क्या मतलब, आप मुझे एक बात बताएं, ए ने बी को कहा तुम अपना मकान मुझे 50,000 रुपए किराए पे दो, ए बी अगर ये ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो ए बी से 50,000 रुपए किराए पर मकान के एवज, 50,000 रुपए के एवज मकान किराए पर ले रहा होगा, यानी ए को बदले के तौर पर क्या मिल रहा होगा, मकान पर
कब्जा एक माह के लिए, और बी अपना मकान दे रहा होगा, बी को क्या मिल रहा होगा, 50,000 रुपया पर मंथ। तो ए के लिए कंसिडरेशन 50,000 के बस मकान है जो एक माह के लिए उसको मिल रहा है, और बी के लिए कंसिडरेशन, बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, बी के लिए कंसिडरेशन मकान केवल 50,000 रुपया है। ले सर, अगर ये दोनों बातें आपको समझ आ गई तो अब हम आगे चलेंगे। अब वादा तो है लेकिन कंसिडरेशन है, तो ये बन गया एग्रीमेंट। अब आगे चलते हैं। यही एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो या नहीं, यानी एग्रीमेंट तो है लेकिन उसको कानूनी तौर पर लागू करवाया जा सके, कानूनी तौर पर लागू करवाया जा सके, एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी कानूनी तौर पर लागू करवाया जा सके, एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर लागू करवाया जा सके, तो इसको क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या कहा जाएगा। सर अदालत के जरिए नाफिज करवाया जा सके, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इसको जरा समझते हैं, व्हाट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ए ने बी को कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, बी ने को कहा मैं तुम्हें शराब की बोतल दूंगी। सर जी बी ने जो शराब की बोतल देने का वादा किया है, ये कानूनी तौर पे शराब बेचना पाकिस्तान में अलाउड ही नहीं है, तो ये वाला एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं, ये वाला एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं, वो यानी नाफिज नहीं करवाया जा सकेगा क्योंकि इलीगल है। यानी ए ने बी को कहा मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, बी ने को कहा मैं तुम्हें शराब की बोतल दूंगा, ए ने बी को 10,000 दे दिया, बी ने को शराब की बोतल नहीं दी, ए अदालत में चला गया, तो अदालत क्या फैसला करेगी, अदालत कहेगी ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये वाला एग्रीमेंट जो किया गया है इसमें जो कंसिडरेशन है वो ये एग्रीमेंट जो ये कानूनी तौर पे नाफिस करवाया ही नहीं जा सकता, तो भाई ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। लो सर, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा आगे चलते हैं। सर इसकी कुछ और एग्जांपल्स देना चाह रहा हूं। एक होता है सोशल एग्रीमेंट, आप हमारे घर चाय पे हैं, उसने कहा मैं जरूर आऊंगा। सर वो चाय पे ही नहीं आया, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों सर, सोशल एग्रीमेंट एनफोर्समेंट बाय लॉ नहीं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सर जी एक शौहर ने बीवी को कहा तुम मुझे चाय का कप बना दो, बीवी ने कहा कि मैं बना देती हूँ, लेकिन शर्त ये कि आप मुझे कल वॉशिंग मशीन लेके देंगे,
शोहर साहब ने चाय पी ली, तो चाय पीने के बाद कहते मैं तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं लेके चला, बीवी अदालत में चलेगी। तो क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा? अदालत कहती है ये घरेलू मामला है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। Intentions to create legal relation, सर जहां पर हमारी intention to create legal relation होती है वहां पे contract enforceable by law होता है। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे उसके पास गाड़ी थी पुरानी, उसने मुझे कहा यार गाड़ी ले लो 10 लाख। मैंने ऐसे ही जांच लेंगे कहा भाई यार मैं नहीं लेता, मैं 2 लाख की लूंगा, दोगे? उसने फौरन कहा हाँ मैं दूंगा। ये फौरन गाड़ी की चाबी उसे मुझे दे दी, अदालत में चला गया कि इसने जो है ना क्या कहते हैं एग्रीमेंट किया। तो सर मैंने, मेरी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन थी नहीं। सर आमतौर पर जब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होती है तो हम लिखत पढ़त करते हैं, हम स्टाम्प पेपर पे चीजें लिखते हैं, उससे बहुत क्लियर आई थी कि इनकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। जनरली बिजनेस में जो डिस्कशन होती है, जो बिजनेस है उसमें एक assumption है कि हमेशा intention to create legal relation होती है। तो भाई यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि क्या intention to create legal relation थी या नहीं। Social agreement, domestic agreement हो या intention to create legal relation, सर ये बात हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। एनफोर्सेबिलिटी क्या है इसको भी डिस्कस कर ली। तो भाई एनफोर्सेबिलिटी जो कानूनी तौर पर नाफिज नंबर हो, सोशल एग्रीमेंट एनफोर्समेंट नहीं होते, डोमेस्टिक एनफोर्समेंट नहीं होते, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ना हो तो वो एनफोर्सेबल नहीं होते, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है जनाब, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सर मैंने आपसे ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कंसिडरेशन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एनफोर्सेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कर लिए। जरा चलते हैं अब आपके कॉन्टेंट्स की तरफ। सबसे पहले प्रपोजल, प्रपोजल किसको कहते हैं जी? पेशकश, इसको ऑफर भी कहा जाता है। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज इजहार करता है कि वो कोई काम करेगा या किसी काम से रुकेगा, और उसका इजहार होता है इसलिए ताकि दूसरे की असेट यानी रजामंदी हासिल हो जाए, तो समझा जाता है कि उसने प्रपोजल दिया। सर क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ये प्रपोजल है, ये ऑफर है। अगर आपका मकसद वाकई दूसरे बंदे की रजामंदी हासिल करके उससे शादी करने का है तो ये प्रपोजल है, ये ऑफर। The person making the proposal is called the promiser. जो proposal दे रहा होता है वो promiser offerer होता है, जो proposal accept कर रहा होता है उसे promisee कहते हैं, proposal accept करने के बाद इसको acceptor भी कहा जाता है, और once promise हो जाता है तो फिर इसको promisee कहा जाता है। हाँ अगर प्रपोजल दिया और एक्सेप्ट ना हुआ तो ये बंदा प्रोमिसर नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा, ऑफरर कहलाएगा, प्रपोजर कहलाएगा, लेकिन प्रोमिसर नहीं कहलाएगा। प्रोमिसर एक्सेप्टेंस के बाद बनते हैं। सर प्रॉमिस जब प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाए, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाए
और रजामंदी का इजहार कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रपोजल दिया गया था जिस बंदे को, उस बंदे ने हाँ कर दी तो क्या हो गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब एक दूसरे के लिए बदला था, एवज था, कंसीडरेशन थी तो क्या बन गया? एक्ट। ये एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। सर प्रपोजल, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, ये सारी मैंने आपको बातें बता दी, सिखा दी, कुछ ये सर यही सारी जो मैंने स्केच बनाया है इसको उसने लिखा है। ये सर प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो जाए तो प्रॉमिस हो जाता है, प्रॉमिस कंसीडरेशन हो जाए तो एग्रीमेंट हो जाता है, और एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सर कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और आज की क्लास यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर रुपीज 50,000। हियर अदील हैज मेड अ प्रपोजल टू बाबर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन असेंट ऑफ बाबर टू बाय हिज बाइक। अदील ने ऑफर किया है कि वो बाइक खरीद लेगा बाबर से। कितने का? कितने का सर? 50,000। अदील ने ऑफर किया है कि वो खरीदेगा बाबर से बाइक 50,000 देकर। यहाँ पर अदील जो है उसने प्रपोजल किया है बाबर को। सर अदील ने ऑफर किया कि वो बाइक खरीदेगा बाबर से, तो अदील ऑफरर है, अदील ऑफरर है और बाबर ऑफरी है। अदील ने ऑफर किया कि बाइक खरीदेगा बाबर से और बाबर ने हाँ कह दिया, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है सर, तो अदील ऑफरर है, बाबर ऑफरी है, अदील प्रोमिजर है, बाबर प्रोमिजी है, अदील ने ऑफर की, बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया। अदील ने ऑफर किया बाइक 50,000 रुपए की, बाबर ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, अदील ऑफर किया, बाबर ने एक्सेप्ट किया, अदील प्रोमिजर है और बाबर प्रोमिजी है, प्रोमिजर और प्रोमिजी एक्सेप्टेंस के बाद आता है। अदील ने ऑफर किया कि वो कंप्यूटर खरीदेगा बाबर से जिस पर बाबर ने हाँ कह दी है, अदील प्रोमिजर है और अदील ने 50,000 रुपए पे करने हैं और उसके बाद उसे क्या मिलेगा? अदील ने प्रॉमिस किया है कि 50,000 रुपया पे करेगा कंसीडरेशन के तौर पे, बाबर ने प्रॉमिस किया कि वो उसको कंप्यूटर देगा, तो एक तरफ प्रॉमिस टू पे और दूसरी तरफ प्रॉमिस टू सेल है, कंसीडरेशन हो गई है डिसाइड। सर एनफोर्सेबिलिटी के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्री, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट। सर आपको अगर ये डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बताई, गौर से सुनिएगा सर, यहां पर ये देखिएगा सर, एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ वो होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ। यही बात उसने कही है कि भाई हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर लीगल रिलेशन बन जाए तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो पार्टीज बाउंड टू परफॉर्म प्रॉमिस होती हैं,
और अगर कोई बंदा परफॉर्म ना करे तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता। अदालत में केस किया जा सकता है। On an agreement to be enforceable by law, there should be legal obligation instead of social, moral, or religious obligation. For an agreement to be enforceable by law, there should be a legal obligation. सर जी, इसको एग्जाम्पल में मैं ऐसे आपको समझाता हूँ कि सर एक फकीर आया, वो आपसे मदद मांग रहा है, क्या वो जबरदस्ती आपसे पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। हाँ, इखलाकी तौर पे आपको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने फकीर को कह दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो आप बाउंड नहीं है कि आप उसकी मदद करें कानूनी तौर। क्या कोई मुलाना साहब आप पर केस कर सकते हैं कि ये ज़कात नहीं दे रहा है? नहीं कर सकते सर। रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो है उसके बाद वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती। सोशल ऑब्लिगेशन कट्ठे कर चाहे भी मिलेंगे, एनफोर्सेबल बाय नहीं लॉ नहीं होती। मॉरल ऑब्लिगेशन किसी गरीब की मदद करना है अखलाक के तौर पर, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती। सर अदील ने ऑफर किया कि वो बेच देगा फर्नीचर बिजनेस, बाबर को 50,000 देगा। बाबर ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। इस एग्रीमेंट में अगर डिफॉल्ट हो या किसी भी पार्टी से तो समझा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और इसके हवाले से अदालत में जाया जा सकता है और अदालत में इस केस को एनफोर्स कराया जा सकता है, यानी अमल दर अमल या लागू कह लीजिए लागू करवाया जा सकता। सर अनिल ने इनवाइट किया बाबर को डिनर के ऊपर, बाबर ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, ये सोशल एग्रीमेंट है। अगर बाबर नहीं आ पाता तो इसका कतन ये मतलब नहीं कि बाबर पे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर एक छोटी सी बात और है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रॉमिस। एक्सप्रेस प्रॉमिस वो, एक्सप्रेस प्रॉमिस वो जिसके बारे में कहा गया है कि जो वर्ड्स में वो एक्सप्रेस प्रॉमिस, इम्प्लाइड प्रॉमिस वो जो अदर देन वर्ड्स। और मैं हमेशा इसकी मिसाल ये देता हूँ कि सर आप रेलवे स्टेशन पर नीचे उतरे और आपने क्या कहते हैं आप कुल्ली आपका सामान उठा रहा था, आप भी चुप करके एंजॉय करते रहे, आप आगे चलते रहे, कुल्ली आपके पीछे चलता रहा, गाड़ी के पास जाके आप खड़े हो गए, कुली में सामान रखा और उसने कहा लो भाई 300 रुपया हो गया। आपने कहा भाई किस चीज का 300 रुपया? उसने कहा मैंने आपका सामान ही उठाया। आपने उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था। सर आपने जब सामान रखा और उसने आपका सामान उठाया तो अंडरस्टूड है कि आपने उसको क्या कर लिया, उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, और ये इम्प्लाइड प्रॉमिस, सामान से कुछ नहीं कहा लेकिन होगी। आपने शू पॉलिश के आगे अपने जूते रख दिए और उसने जूते पॉलिश कर दिए, सर ये इम्प्लाइड ऑफर थी और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। तो सर याद रखिएगा, इम्प्लाइड ऑफर और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जो है वो अदरवाइज देन वर्ड्स होती है, और जुबान के जरिए कहना कि भाई मैं आपके बूट पॉलिश कर दूं और वो बंदा आप पॉलिश कर दे तो ये एक्सप्रेस। अदील ने टेलीफोन पे कहा और बाबर को, और बाबर ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, ये एक्सप्रेस है चूंकि इन वर्ड्स है। हाँ, अगर शू शाइनर ने शू पॉलिश करने के लिए जूते उसके आगे रखे और उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसको उसके जूते पॉलिश कर दिए तो ये इम्प्लाइड ऑफर और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सर ये जनाब सारी डिस्कशन जो मैंने आज आपको करवानी थी, जिसमें मेनली ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें थी। मुझे जरा बताइए यहाँ तक इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, इम्प्लाइड ऑफर तक, अगर आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए,
और अगर कहीं कोई बात समझ नहीं आई या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज मुझे रेफर कर दीजिए, फिर मैं वो आपको दोबारा कर। जी सब लोग प्लीज बता दीजिए। नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह कल हम आगे प्रपोजल पढ़ रहे होंगे, लेकिन एज पर द कमिटमेंट आपको 1 घंटा पढ़ना है, और आई एम वेरी मच श्योर अगर आप 1 घंटा पढ़ने तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्लीज बी लॉ के ग्रुप में इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में बी लॉ के ग्रुप में हम थोड़ी देर में आपका चैप्टर नंबर 1 के नोट्स शेयर कर देंगे। नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। जजाकल्लाह।